नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रॉ के अंदर हम कलर्स टीवी का लोगो सिंपलेस्ट वे में किस प्रकार से ड्रॉ करें। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखें और हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं आगे आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कलर्स के लोगो को यहाँ पे सेट करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं कलर्स। सबसे पहले टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कलर्स। नॉर्मली हमें टाइप कर लेना है टेक्स्ट को, देन हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम बोल्ड का ऑप्शन आता है, बोल्ड कर देंगे। देन हमें लेंगे शेप टूल और इस चीज़ को हमें क्या करना है, ऐसे बड़ा करना है। तो शेप हमारा बड़ा हो गया है, जैसे कि हमें इसको स्मॉल लेटर में लिखना था तो हम इसको स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। इस प्रकार से लिखने के बाद इस शेप को हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसके कलर को ये वाला कलर कर देंगे। ये वाला कलर करने के बाद इसको शिफ्ट के साथ बड़ा कर लेंगे ऐसे और इसको यहाँ पे हम कर देंगे सेट। सेट करने के बाद जैसे कि यहाँ पे हमें ये वाला शेप बनाना है, शेप बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्री हैंड टूल लेंगे और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करेंगे, देन अगेन इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से लेंगे हम शेप टूल। शेप टूल से हमें यहाँ पे पॉइंट लेना है और राइट क्लिक करना है, टिक कर्व का ऑप्शन आएगा, टिक कर्व से हमें पॉइंट लेके इस प्रकार से कर्व कर लेंगे। इस प्रकार से हमें कर्व कर लेना है पॉइंट को। देन यहाँ पे पॉइंट लेना है, राइट क्लिक करना है, टू कर्व, यहाँ से भी हम पॉइंट को कर्व कर देंगे ऐसे। इस प्रकार से बना लेंगे। पॉइंट बनाने के बाद इसको यहाँ से हम कर लेंगे कलर और इसको शिफ्ट के साथ थोड़ा सा हमें बड़ा कर लेना है ऐसे। ऐसे शेप हमारी बन गई है। देन शेप को हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ हल्का सा छोटा करेंगे ऐसे। देन इस शेप को हमें ऊपर से बस नॉर्मली छोटा करना है ऐसे। इसको हम कलर करेंगे पिंक, जैसे कि यहाँ पे पिंक है। और अगर आपको सेम डिटो यहाँ से कलर भी उठाने तो हम ले सकते हो। कैसे करोगे, सबसे पहले शेप को आप कंट्रोल यू से अनग्रुप कर देना। यहाँ पे आपका ड्रॉप टूल का यूज़ है, ड्रॉप टूल लेना है आपको कोई भी कलर के ऊपर, आपको जब कर चाहिए तो उस कलर के ऊपर आपको सिंपल बस वन क्लिक करना है और देन जिस शेप के ऊपर आपको कलर करना है उसको उसके ऊपर लाके आप उसको क्लिक कर देना है। तो कलर हमारी कॉपी हो गई। सेम हम ऐसे कलर कॉपी कर सकते हैं। नॉर्मली अगर इस चीज़ का कलर हमें यहाँ पे चाहिए और ये ग्रेडियंट है तो वैसे भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको पहले तो हम शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे, हल्का सा छोटा करना है। देन नॉर्मली ऊपर से इसको इस प्रकार से हम छोटा करेंगे। नॉर्मली इसको इस प्रकार से सेट करके यहाँ से हम इसका कलर को इस वाले ड्रॉप से कलर पिक करके इसके अंदर हमें फिल कर देना है और इस शेप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है नो आउटलाइन के ऊपर। देन हमें इस लोगो को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर देना है। तो ये लीजिए, हमारे कलर्स का लोगो रेडी है। उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताएं आगे आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। थैंक यू।